वो कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग का जो 4 o'clock का टाइम होता है वो हर इंसान की जिंदगी का नींद का सबसे खूबसूरत समय होता है। दैट मीन आप उस समय निंद्रा की चरम सीमा पर होते हैं, या वो टाइम है जब किसी इंसान के लिए बिस्तर छोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस की तरह होता है। लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त होता है जिनके लिए पढ़ाई दुनिया में हर चीज से ऊपर है। पढ़ाई करने का ये बेस्ट टाइम है उस स्टूडेंट के लिए जो अपना स्टेटस बदलना चाहता है। देखो, जो रातों रात नाम बनाते हैं, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो पाओगे कि उन्होंने उसके पीछे अपने कितने रातों की नींद को हराम कर रखा है। एक सफल और महान इंसान ने कहा है कि अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हो तो जल्दी जल्दी फेल होना सीखो, और आपके फेल होने की रेट को आप बढ़ा दीजिए। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले की तुलना में ज्यादा कोशिश करेंगे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम कोशिश ही नहीं करते हैं, और जब आप कोशिश करेंगे ज्यादा बार तो आप फेल भी ज्यादा बार होंगे, और वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक होगा, और उसी को सीख करके आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इस दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बच्चों, आपने कितने लोगों को देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ बड़ी कार लेना है, बड़े घर लेने हैं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस कर लेना है। शायद आपने भी ये सपना अपने लिए देखा होगा और आप देखते भी होंगे। बट एक सवाल है जो मैं आप सबसे करना चाहता हूं कि इन बड़ी बड़ी चीजों को पाने के लिए आपने आखिर कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, आपने किया क्या जिंदगी में जो ये सपना आप बड़े घर का, बड़े गाड़ी का और बड़े बैंक बैलेंस का देख रहे हैं, आखिर वो सपना पूरा करने के लिए आखिर आपने क्या सेक्रीफाइस किया। इन बड़ी बड़ी चीजों के लिए आपका डेडिकेशन कितना बड़ा है, इन बड़े बड़े सपनों के लिए आपने मेहनत कितनी बड़ी की है। याद रखिए बच्चों, जितने बड़े सपने उतनी बड़ी कुर्बानी। लेकिन अब सवाल यह है कि पढ़ाई के लिए सर आखिर किस चीज को कुर्बान कर दें? So listen carefully, you must have to sacrifice first of all your sleep, ये सोना कम करो, क्योंकि जितना आप सोते हो उतना आप खोते हो। अपनी जरूरत से ज्यादा नींद जो आपके पास है उसकी कुर्बानी दीजिए। दोस्तों के साथ की जाने वाली जो मौज मस्ती है उसकी कुर्बानी दीजिए। यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस योर टेम्पररी डिजायर, आखिर ये जो बेसिक मस्ती माहौल का मूड आपका जो बनता है इसको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। बिना वजह जितनी आप पार्टीज करते हैं, आप टाइम वेस्ट करते हैं, उनको कुर्बान कीजिए। आपको वो चीज़ सेक्रीफाइस करनी है जो आपके पढ़ाई से ध्यान भटकाती है, चाहे वो कोई मूवीज़ हो, वेब सीरीज़ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो कुछ आपके लक्ष्य के दौरान, उसको पाने के दौरान आपके समय को नष्ट करता, आपके पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, मुझे लगता है उस चीज़ को आपको खत्म कर देना चाहिए, अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। आपको झूठे सपनों की दुनिया में ये आपको रखते हैं, और जब तक इन झूठे सपनों की दुनिया में आप चलेंगे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। सच में एक सेक्रीफाइस और हार्डवर्क से ही जिंदगी में कुछ पाया जा सकता है, और आपका अपार फोकस और डेडिकेशन ही आपको लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिलीव, अगर आप इस तरह की सोच को अपने अंदर लाते हो और इन चीज़ों को त्याग करके पूरा फोकस्ड अपने करियर पर आप लग जाते हो, आप हर वो चीज़ पाओगे जो आप जीवन में पाना चाहते हो। कहते हैं अगर आपकी हैबिट सही है और आपका लक्ष्य एक है और निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपको मैं गारंटी लेता हूं आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे और उस सफलता को आप तय कर लेंगे। यार, एक दिन में 10 घंटे पढ़ना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है और बहुत लोग ये एग्जांपल सेट करते हैं। बट अहम क्या है कि हर दिन, हर वीक, हर साल उसी निरंतर 10 घंटे की पढ़ाई को जारी रखना, मुझे लगता है आपके जीवन में एक बड़ा फर्क लाएगा और यही फर्क आपकी सफलता का कारण बनेगा। जानते हो बच्चों, टॉपर और लूजर में आखिर हम डिफरेंसेस पूछने की कोशिश करें तो आखिर क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है हर दिन डेडिकेटेड उनके हार्डवर्क करने की हैबिट को लेकर के, जो उनको औरों से अलग बना देती है। आप अपने लक्ष्य के लिए समय खर्च करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज सफलता का जो रूल है ना वो सब के लिए एक है यार। वो इंसान कितना अमीर हो, इंसान कितना गरीब हो, ये किसी के लिए डिवाइड नहीं है, ये आपके हार्डवर्क और सच्चाई से ही आपके पास आ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने आप को समर्पित करिए और जितना भी समय है वो 100% केवल अपने लक्ष्य, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। मैं गारंटी देता हूँ बेटा, सफलता खुद चल करके आपका कदम चूमेगी और आप जिंदगी में वो पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो आज मुझे कमिटमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में जबरदस्त तरीके से कि वाकई में आप में क्षमता है सब कुछ त्याग करके आगे बढ़ने का। मैं लिखित गारंटी देता हूँ बेटा कि जिस दिन इन चीज़ों को त्याग करके आप बढ़ते हैं, आप वो हर चीज़ तय कर लेंगे जो तय करना चाहते हैं। कहते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसने बहुत सारा दर्द भी पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला भी होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो बेटा, समय है उजाला लाने का, समय है चमकने का। लगिए, उठिए, खड़े होइए और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।